हल्का साठौरा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चौधरी बलवंत सिंह ने कल गांव कोतरखाना और थाना छप्पर में जनसभा को संबोधित किया। वह पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। चौधरी बलवंत सिंह को हर गांव में लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि मैं आपके बीच में वोट मांगने आया हूं। आप मुझे अपना आशीर्वाद दें और मुझे हल्का साठौरा से भारी मतों से जितवा कर विधानसभा भेजने का काम करें। उन्होंने कहा, सरकार ने पहले भी क्षेत्र में बहुत विकास कार्य करवाए हैं, अगर दोबारा उनकी सरकार बनती है तो और भी विकास कार्य करवाए जाएंगे। हल्का सटौरा से आप विधायक हैं, अब आगे भी जो आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, किन मुख्य मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? आज विकास के मुद्दे को हम चुनाव लेके चुनाव लड़ रहे हैं और विकास का ऐसा काम कोई नहीं रहा सटौरा हल्के में बहुत बड़ा जो माननीय मुख्यमंत्री ने ना किया हो। विकास का हर काम, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, पुड़िया है, पुल है, अस्पताल है, मंडी है, और चाहे रेस्ट हाउस है, चाहे बस स्टैंड है, सारे के सारे हमारे मंजूर हो चुके हैं। जैसे अब आपकी जो सरकार कहती है हमने 72,000 बेरोजगारों को नौकरी दी है, तो अभी बेरोजगार अभी काफ़ी जो हैं पड़े हैं, अगर आपकी सरकार आती है तो अगला आपका कार्य क्या होगा? हमारी सरकार ने जो नौकरी दिया, ईमानदारी के साथ योग्यता के आधार पर जिस बच्चे में योग्य है उसको नौकरी लाया, ना कोई पर्ची और ना खर्ची है। माननीय मुख्यमंत्री की ईमानदारी पे आज हरियाणा प्रदेश को मान है और आगे भी जो आएंगी नौकरियां वो ईमानदार से लगेंगी। जो अब आगे जब आप ये इलेक्शन जीत गएंगे, आपका अगला जो हल्का सटौरा के लिए सबसे मेन कार्य क्या होगा जो आप सबसे पहले करवाएंगे? जो सटौरे की जनता कहेगी वही करा देंगे।